कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो कल के सत्र में हम चर्चा किए थे कि किस प्रकार से कृष्ण पहले तो गोपियों को बुलाते हैं स्वयं मुरली निनाद करके, तत्पश्चात गोपियों से पूछते हैं क्यों आई हैं, फिर इस प्रकार से उनके बीच में धर्म की वार्ता होती है। गोपियों को भगवान पतिव्रता नारी का धर्म बताते हैं, फिर गोपियां भी तर्क रख करके भगवान के सामने ये सिद्ध कर देती हैं कि उनका भौतिक जगत से पूर्ण रूपेण संबंध विच्छेद हो चुका है और वो पूर्ण रूपेण कृष्ण के चरणों में समर्पित हो चुकी हैं। तो ये सब चर्चा हम कल तक किए थे और रास का जो है प्रारंभ हो चुका था। रास प्रारंभ होने के बाद एक और लीला वहां हो गई थी जो कि भगवान के अंतर ध्यान होने की लीला थी। हमने चर्चा की थी तासाम तत् सौभगम अदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाया प्रसादाया तत्रैव अंतर्धीयतम। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, ठीक है। अब गोपियों के बीच में से जैसे ही कृष्ण अप्रकट हुए तो गोपियों की अवस्था क्या हुई उसको हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। तो गोपियां पहले तो एकदम से जो है भ्रमित हो गई कि ये क्या है, कहाँ चले गए। तो जो प्रेम की अवस्थाएं होती हैं, जिनके विषय में हम रास पंचाध्यायी का जो हमारा हुआ था उसमें भी हम चर्चा किए थे कि गोपियों की जो अवस्था हुई थी, प्रेम की छह क्रियाएं होती हैं और प्रेम की छह अवस्थाएं होती हैं। तो गोपियों की छह क्रियाएं क्या शुरू हुई? सबसे पहला काम गोपियों ने क्या किया? बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कोई हमारा अपना एकदम से मेले में कोई बच्चा बिछड़ जाता है तो पहले क्या करते हैं, खोजना। तो गोपियों ने सबसे पहला काम क्या किया? कृष्ण को खोजना शुरू किया, ढूंढना। ये प्रेम की छह क्रियाएं हैं। तत्पश्चात जड़ चेतन सबसे पूछ रही है, अशोक के वृक्ष से पूछ रही है, बबूल के पेड़ से पूछ रही है, आम के वृक्ष से, जितने वहां पेड़ हैं, तुलसी तुलसी महारानी से पूछ रही है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अगर तुमने देखा हो क्या बोल रही है, मालत्य दर्शी वह कच्चिन मल्लि के जाति युति के, हे मल्लिका के वृक्ष कहीं देखा है? कितने कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सत्वाली कुलैर विभद्र वीर विभ्रद दृष्टस्ते ति प्रियोच्युतः। हे अच्युत की प्रिया, गोविंद के चरणों में तुम तो चढ़ती हो, तुमको तो पता होगा वो इन्हीं चरणों से चल के कहाँ गए हैं। तो जड़ चेतन सभी से पूछ रही है, वृक्षों से पूछ रही है, आपस में एक दूसरे से पूछ रही है। तो ये है दूसरी क्रिया। अब तीसरी क्रिया गोपियां क्या कर रही है? ऊंचे स्वर से पुकार रही है कृष्ण को, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पुकार रही है। हे मधुसूदन कहाँ गए, हे कृष्ण कहाँ चले गए, हे नंद नंदन कहाँ गए, हे यशोदा नंदन कहाँ गए, हे बकारी हे बक 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 नाम के राक्षस को मारने वाले कहाँ गए, हे मुरारी कहाँ गए। बहुत सुंदर सुंदर नामों से कृष्ण को वहां ऊंचे ऊंचे स्वर से पुकार रही है। चौथी क्रिया गोपियां क्या कर रही है? लीलानुकरण करना। क्या कर रही है गोपियां? एक गोपी ने दुपट्टे को तान लिया है, मतलब चार गोपियां दुपट्टे को तान के खड़ी हो गई, एक गोपी ने उसके नीचे उंगली लगा दी और बोल रही है आ जाओ सब ब्रजवासियों, मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया है, इसके नीचे आकर के सब खड़े हो जाओ। अब जो है तुमको इंद्र से भय करने की जरूरत नहीं है, मैंने गिरिराज उठा लिया, मेरे इस गिरिराज के नीचे आप सब आ जाओ, आप सब की रक्षा हो जाएगी। इस प्रकार से कर रही है। एक गोपी दूसरी गोपी की गोदी में लेट गई, दूध पान कर रही है, फिर पूतना वध वाली लीला हो रही है। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर कालिया मान मर्दन की लीला हो रही है। और कृष्ण जितनी भी लीला अब तक कर चुके थे
अभी कृष्ण की अवस्था आठ से दस वर्ष के बीच की रही होगी, रास के समय, रास जब हुआ था शरद पूर्णिमा की उस रात्रि को कृष्ण की अवस्था आठ से दस वर्ष की रही होगी। और आठ दस वर्ष की अवस्था आने तक कृष्ण ने जो जो लीलाएं की वो सब लीलाओं का गोपियां क्या कर रही, अनुकरण कर रही, बिल्कुल वैसा का वैसा जो है डिप्टो वहां पर कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन कर रही है, एक दूसरे को दिखा रही है और कृष्ण को याद कर रही है कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करके। तो पहला काम किया उन्होंने खोजना, दूसरा काम किया जड़ चेतन सभी से पूछ रही, तीसरा काम किया ऊंचे ऊंचे स्वर से पुकार रही, चौथा काम किया लीलानुकरण करना, और पांचवा काम गोपियों ने किया है गीत गाना। तो इसका अगला जो अध्याय है, इस रास पंचाध्यायी का अगला अध्याय, उसका नाम है गोपी गीत, दशम स्कंद का 31वां अध्याय, 31st chapter। किमते कृतम क्षित तपो बत केशवांग्री स्पर्शोत्सवोत् पुलकितांग रोहैर विभासी। इतना सुंदर सुंदर गोपियां वहां पर जो है वृक्षों से लताओं पताओं से पूछ रही थी, और इस प्रकार से उनकी बहुत अवस्था बहुत उनकी खराब हो गई थी गोपियों की उस समय। तो इस पूरे अध्याय में गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं, जड़ चेतन से पूछ रही हैं, उनको आवाज लगा रही हैं, उनकी लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। तत्पश्चात इसके अगले अध्याय में गोपियों ने क्या किया है, गीत गाया है। गीत गाया है, गोपी गीत। लेकिन उससे पहले इसी अध्याय के यानी कि दशम स्कंद के 30वें अध्याय का 39वां श्लोक, हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। अलग अलग नामों से कृष्ण को पुकार रही, क्या कह रही है, हा नाथ। तो इसका भाव जरा हम समझे, आचार्यों ने, हमारे जो आचार्य हैं, जो मंदिरों की स्थापना हमारे आचार्यों ने की है वृंदावन में, तो हम एक भाव इसका समझे कि इसी श्लोक से उन्होंने जो है प्रेरणा प्राप्त की और इन सभी विग्रहों की स्थापना उन्होंने वृंदावन में की। क्या कह रही गोपियां, हा नाथ, यानी कि गोपीनाथ जी को पुकार रही हैं, अपने नाथ, गोपियां स्वयं अपने नाथ गोपीनाथ जी को पुकार रही हैं। तो वृंदावन के एक जो महान विशेष ठाकुर हैं हमारे गौड़ीय संप्रदाय के, उनका नाम है गोपीनाथ, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के प्रिय गोपीनाथ जी। तो हा नाथ, तत्पश्चात रमण यानी कि राधा रमण लाल जी को पुकार रही है, गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा स्थापित राधा रमण मंदिर, आज भी उनकी परंपरा में जो है राधा रमण की सुंदर पूजा उपासना, एक अद्भुत जो है वहां पे उनकी सेवा हो रही है, सेवा परंपरा चल रही है, अद्भुत परंपरा से चल रही है। एक ऐसी अग्नि, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने एक चूल्हा जलाया था, वो चूल्हा आज भी जल रहा है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा जलाया हुआ चूल्हा, उसी चूल्हे पर आज भी राधा रमण लाल जी के लिए सारा भोग तैयार होता है, और भोग के लिए बाहर से कुछ भी नहीं लाया जाता, पूरा भोग राधा रमण लाल जी के लिए उसी भट्टी पर बनता है, उसी अग्नि में। ऐसा जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का अपने राधा रमण छोटे से लाला के प्रति प्रेम था। और राधा रमण लाल जी के मंदिर में कभी भी जन्माष्टमी रात्रि में नहीं मनाई जाती, क्योंकि वहां छोटे से, बहुत ही छोटे से ठाकुर की उपासना होती है, इसीलिए रात को उनको कष्ट ना हो तो वहां पर रात्रि को ना मना करके जन्माष्टमी दिन में ही मना ली जाती है। और राधा रमण टेम्पल में आप जब भी कभी जाएंगे, आप देखेंगे वहां बड़े बड़े घंटी घड़ियाल नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे से ठाकुर हैं, उनको इतने शोर से कष्ट ना हो इसीलिए वहां बहुत ही साधारण तरीके से उनकी आरती उतारी जाती है, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से। आपने देखा हो, अगर आप में से जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, अगर उन्होंने वृंदावन के राधा रमण लाल जी को देखा हो तो इतने छोटे से हैं, क्योंकि वो शालिग्राम से प्रकट हुए ना। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब महाप्रभु की
के द्वारा प्राप्त प्रेरणा, महाप्रभु से उनको प्रेरणा प्राप्त हुई, क्योंकि गौर होइलो राधा रमण। गौर कौन है, गौराचांद कौन है? साक्षात श्री राधा रमण लाल है। तो महाप्रभु की प्रेरणा से गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बार नेपाल गए थे, तो दामोदर कुंड यानी कि गंडकी नदी में जो दामोदर कुंड है वहां स्नान किया, और दामोदर कुंड में जो शिलाएं निकलती है उनको कहते हैं दामोदर शिला, और वहां से जो शालिग्राम प्राप्त करने का तरीका है वो क्या है, वो ये है कि आप उस दामोदर कुंड के अंदर जाकर के एक तुलसी का पौधा उसके अंदर कर दो, उसके अंदर उतार दो, तो अपने आप शालिग्राम जी उस तुलसी के पौधे को लेकर के ऊपर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। ये उस दामोदर कुंड की महिमा है, शालिग्राम स्वयं ऊपर आते हैं और तुलसी को लेकर आते हैं, जो तुलसी आप नीचे छोड़ेंगे वो तुलसी को लेकर शालिग्राम ऊपर आते हैं। यद्यपि इस समय नेपाल की सरकार ने वो शालिग्राम शिला निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया, पहले सभी निकाल लेते थे लेकिन इस समय सरकार के आदेश पर ही निकाला जाता है, क्योंकि भगवान का एक नाम है हिरण्यगर्भ, यानी कि जिसके गर्भ में सोना हो, हिरण्य कहते हैं सोने को, और उस दामोदर शिला के अंदर होता है बिल्कुल शुद्ध सोना। तो पहले कुछ दुष्ट लोगों ने इस प्रकार से सोना प्राप्त करने के लिए उस कुंड में से बहुत सारे जो है शालिग्राम निकालने के प्रयास किए थे, जिसके कारण वहां पे अब ऐसा प्रतिबंध लगा दिया है कि हर कोई शालिग्राम शिला नहीं निकाल सकता, केवल सरकार के आदेश पर ही वहां से शालिग्राम निकाले जाते हैं। बिल्कुल सत्य है ये, शालिग्राम जो शिला होती है उसके अंदर बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध सोना उसके अंदर भरा होता है, और कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास भी किया है। तो जो धर्म को मानने वाले हैं कि शालिग्राम भगवान को कष्ट देकर के वो इस प्रकार से सोना निकालने वाले लोगों पे प्रतिबंध लगाया गया, कि भगवान को पहले तो फोड़ा गया उस शालिग्राम शिला को, उसके अंदर से सोना निकाला गया, ये तो भगवान को कष्ट देकर के अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा रहा है ना, इसीलिए नेपाल सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो हम चर्चा कर रहे थे राधा रमण लाल की। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वहां गए तो वहां से द्वादश यानी कि 12 शालिग्राम लेकर आए, और नियम से उन 12 शालिग्रामों की सेवा वे किया करते थे। तो अपने कंटेम्प्ररी यानी कि अपने समकालीन जितने भी आचार्य, गोपाल भट्ट गोस्वामी के समकालीन जो भी आचार्य थे उनके सबके अपने अपने विग्रह थे। सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जी, और जहां तक मेरा स्मरण है जीव गोस्वामी के राधा दामोदर, सबके अपने अपने विग्रह थे। तो एक एक व्यापारी बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र बना करके, एक व्यापारी बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र ठाकुर जी के बना बना करके लाया था वृंदावन की। अलग अलग सभी आचार्य अपने अपने ठाकुर के लिए खरीद रहे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे कि मेरे पास तो ठाकुर ही नहीं है, मेरे तो एक गोल गोल बाटी है, इनका क्या, इनको क्या वस्त्र पहनाऊं। पर वो व्यापारी इतनी आशा लेकर के गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास गया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा ठीक है, अब जब आ ही गए हैं तो एक जोड़ी दे दीजिए, वैसे तो मेरे सब ठाकुर जी गोल गोल शालिग्राम की बाटी है, मेरे पास तो मूर्ति नहीं है। तो नित्य अपने नियम के अनुसार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने उन द्वादश शालिग्राम शिलाओं को पूजा पाठ करा के, और फिर रात को शयन करा के, एक छोटी सी उनके पास टोकरी थी, उस टोकरी में 12 शालिग्रामों को शयन करा के और ऊपर से उड़ा दिया चादर और खुद भी सो गए। सुबह उठ करके देखते हैं तो 12 शालिग्राम में से 11 रह गए, एक कहा गया, एक बन गए साक्षात श्री राधा रमण लाल जी। एक शालिग्राम अपने आप ही सुबह तक शालिग्राम शिला राधा रमण लाल के रूप में परिणत हो गई। वैज्ञानिक भी हैरान है, उस मूर्ति में कहीं भी तराशने के कोई निशान नहीं है, कहीं से भी कोई तराशने के निशान उस राधा रमण लाल की मूर्ति में नहीं है, बिल्कुल एक जैसी ऊपर से नीचे तक, बहुत सुंदर। और आज भी उनके पीछे के हिस्से में पृष्ठ भाग में शालिग्राम शिला का वो गोल गोल हिस्सा दिखाई देता है राधा रमण लाल जी में। और आज भी गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार वहां पर आज भी वही परंपरा अनुसार सेवा पद्धति चल रही है। और वहां का एक बहुत ही प्रसिद्ध कुलिया प्रसाद होता है,
जो खीर मावा रसमलाई का एक मिक्स मतलब मिश्रण जैसा होता है, इतना स्वादिष्ट होता है। यद्यपि ना तो मैं आज तक वृंदावन गई हूँ, ना राधा रमन लाल जी के दर्शन किए हैं, और ना ही मैंने वो प्रसाद पाया है, लेकिन सुनकर ही मैंने इतना अनुभव किया है कि वो अद्भुत है। तो इस प्रकार से राधा रमन लाल जी प्रकट हुए हैं, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने प्रेम भाव के कारण उस पोशाक को खरीदा था उस व्यापारी से। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम को देख करके वहां पर शालिग्राम साक्षात राधा रमन हो गए। और ये कहावत है हमारे गौड़ी संप्रदाय में कि गौर होइलो राधा रमन, क्योंकि साक्षात श्रीमन महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा पर जब वे थे, तब उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी, जब उस समय तो छोटे तरुण अवस्था में ही थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी से कहा था। गोपाल भट्ट गोस्वामी मूर्छित हो जा रहे थे जब महाप्रभु वहां से निकल रहे थे दक्षिण से। तो महाप्रभु से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पूछा था कि मुझे आपका पुनः दर्शन कब होगा। बोले मैं तुमसे वृंदावन में मिलूंगा, जबकि उसके बाद कभी महाप्रभु वृंदावन गए ही नहीं, वो सीधा महाप्रभु उसके बाद जगन्नाथपुरी गए, और अंतिम समय उन्होंने पूरा जगन्नाथपुरी में गुजारा था 18 वर्ष। उसके बाद वो कभी वृंदावन गए ही नहीं, तो कैसे उन्होंने बोल दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी को कि मैं तुमसे वृंदावन में मिलूंगा। इसीलिए कहा था क्योंकि गौर होइलो राधा रमण, राधा रमण रूप में गौर गौरा चांद गौर सुंदर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्राप्त हुए, और अपना वचन उन्होंने पूर्ण किया। गौर होइलो राधा रमण, राधा रमण रूप से गौरा चांद गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्राप्त हुए, पुनः उनका दर्शन प्राप्त हुआ। तो और भी बहुत से ऐसे तथ्य हैं राधा रमण टेम्पल के विषय में। हम सभी जानते हैं हमारे देश के सभी लगभग सभी मंदिरों पर मिलेच्छों ने हमला किया है, और सारी मूर्तियां यहां से वहां वहां से यहां हुई हैं। नाथ द्वारा राजस्थान के उदयपुर से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है नाथ द्वारा, जिसका दर्शन मुझे भी 2 बार प्राप्त हुआ है। बहुत ही सुंदर श्रीनाथ जी का मंदिर है, वल्लभी कुल जो है, वल्लभ संप्रदाय, उसकी पुष्टि संप्रदाय की बहुत सुंदर वहां सेवा पद्धति है। छोटे से 3 साल के लाला की वहां पे पूजा पद्धति होती है, पूजा की उपासना की पद्धति है। तो ऐसे श्रीनाथ जी जो पहले गोवर्धन की तलहटी में रहते थे, लेकिन मलेच्छों के हमले के कारण वहां से उठा करके वल्लभाचार्य उनको ले गए, कहां इतनी दूर सुदूर राजस्थान में ले आए, कहां गिरिराज की तलहटी में थे गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ द्वारा वाले जो गिरधारी हैं, जो गोवर्धन नाथ है, वो पहले गिरिराज की तलहटी में, नीचे तलहटी में विराजते थे, उनका मंदिर था वहां पे। लेकिन यहां से म्लेच्छों के भय से वल्लभाचार्य उठा करके उनको राजस्थान में ले गए। और भी बहुत से मंदिरों को क्षत विक्षत म्लेच्छों ने किया था, लेकिन राधा रमण लाल जी की मूर्ति को कभी कोई क्षति म्लेच्छ नहीं पहुंचा सके, और ना ही राधा रमण लाल जी की मूर्ति गोपाल भट्ट गोस्वामी के समय से लेकर आज तक कभी इस जगह से उस जगह हुई है। जहां गोपाल भट्ट गोस्वामी रखे थे, आज भी राधा रमण लाल जी वहीं पर है। और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर और अद्भुत तथ्य हैं राधा रमन लाल जी के विषय में। तो हम जो हमारा मूल विषय है उस पर आते हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ, प्रेष्ठ मतलब जो है प्रिय, क्वासी क्वासी महाभुज, प्रेष्ठ मतलब यहां पर कृष्ण को मदन मोहन कह के पुकार रही हैं गोपियां। और मदन मोहन जी की एक और सुंदर कहानी है। सनातन गोस्वामी जी जो कि षड गोस्वामी, महाप्रभु के कृपा पात्र षड गोस्वामियों में से एक सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी एक बार अपना जो नित्य का जो कार्य रहता था वो कर रहे थे। तो मथुरा में, मथुरा के एक चौबे, मुझे स्पष्ट रूप से वो कहानी याद नहीं आ रही, बहुत दिन पहले सुना था। तो मथुरा के जो चौबे होते हैं, मथुरा के जो चतुर्वेदी होते हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण के घर में मदन मोहन रहने लगे। उनके घर में पहले ही बहुत सारे बाल बच्चे, परिवार बहुत बड़ा था, किसी प्रकार से उनका घर चल रहा था। तो
तो मदन मोहन जी या तो पहले से सनातन गोस्वामी जी के पास थे या ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन स्वप्न में सनातन गोस्वामी जी, हाँ पहले उन्हीं लोगों के पास थे, ब्राह्मण परिवार के पास मदन मोहन जी, तब सनातन गोस्वामी जी को दर्शन दिए स्वप्न में मदन मोहन जी ने कि मुझे तुम ये परिवार जो है ब्राह्मण परिवार मथुरा का, इनके यहां से मुझे ले जाओ। अब आए हैं इनके पास, मदन मोहन जी को लिवाने आए हैं साथ में। मदन मोहन जी को सूखी रोटी देते थे, सूखी बाटी, जो दाल बाटी के साथ जो बाटी होती है वो बाटी, सूखी बाटी दिया करते थे सनातन गोस्वामी। मदन मोहन जी बोलते कि थोड़ा सा नमक भी दे दिया करो साथ में, कैसे सूखा सूखा खाया जाएगा बोलो तो। सनातन गोस्वामी ने बोला आज नमक मांगते हो, कल तुम मसाले मांगोगे, सब्जी मांगोगे, दाल तरकारी मांगोगे, मेरे पास सन्यासी आदमी के पास जो है इतने में अगर चला सकते हो तो मेरे पास रहो, नहीं तो जहां से लाया था वहीं तुमको पहुंचा देता हूं। तो ये भाव आचार्यों का, तो मेरा और बहुत से और भी संतों का ऐसा मानना है कि इसी एक श्लोक से, गोपियों के द्वारा ये जो श्लोक उच्चारित हुआ था, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, इससे प्रभावित होकर के हमारे आचार्यों ने उन सुंदर सुंदर विग्रहों की स्थापना वृंदावन में, ब्रजभूमि में की थी। तो हा नाथ, नाथ यानी कि गोपीनाथ, रमण यानी कि राधा रमण, प्रेष्ठ यानी कि मदन मोहन, क्वासी क्वासी महाभुज, महाभुज यानी कि गोविंद देव जी, गौड़ीय संप्रदाय के एक और विशिष्ट देव, विशिष्ट विग्रह यानी कि गोविंद देव जी। दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधि, सखे यानी कि बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी सखा रूप में है। इस प्रकार से महान महान संतों ने इसी श्लोक से प्रभावित होकर के वहां पर वृंदावन में, ब्रजभूमि में विग्रहों की स्थापना की है। तो गोपियां कृष्ण को पुकार रही हैं अलग अलग नामों से, कृष्ण तब भी नहीं आए हैं, तो गोपियां जो है चीतकार कर रही हैं, उनके मन में बहुत जो है कष्ट हो रहा है। तब गोपियों ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे बहुत ज्यादा जमीन, मतलब पैरों के निशान बहुत अंदर तक धसे हुए हैं, तो गोपियों ने सोचा कि यहां पर प्रिया प्रीतम जो है यहां पर आए होंगे इस जगह पर, क्योंकि श्रीमती राधा रानी को लेकर के अप्रकट हुए थे कृष्ण। तो गोपियां सोच रही यहां पर प्रिया प्रीतम बैठे होंगे, लेकिन सखी जो प्रियतमा है वो थक गई होंगी चलने से हार गई होंगी। यहां पर श्लोक भी है, बहुत ही सुंदर वो श्लोक है, ये वाला जो श्लोक है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, ये गोपियां राधा रानी के साथ में बोल रही है। इससे पहले 37वें श्लोक में राधा रानी जो कृष्ण के साथ अंतर्ध्यान हुई थी, तो अंतर्ध्यान होने के बाद में वो दोनों साथ में चल रहे हैं, चलते चलते श्रीमती राधा रानी जो है थक गई हैं। अब थक गई तो श्याम सुंदर से क्या करी, ततो गत्वा वनोद्देशम दृप्ता केशवम ब्रवीत, न पा रही हम चलितुम नैमाम यत्र ते मनः, हे केशव मेरी बात सुनिए। गोपियां चर्चा कर रही, यहां पर ये ऐसा हुआ नहीं है, या हुआ भी है तो गोपियां उसका जो है चिंतन कर रही, आपस में बात कर रही कि अरे सखी, ऐसा उस जो सखी ने बोला होगा, उस प्रियतमा ने बोला होगा, क्या बोला होगा कि हे श्याम सुंदर मैं चल नहीं पा रही हूँ, चलने से हार गई हूं, ना पा रहे हम चली तुम, मैं नहीं चल पा रही हूं, इसलिए अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगी। अब श्याम सुंदर क्या बोलते हैं, गोपियां ऐसा विचार कर रही, सोच रही कि एव मुक्त प्रियामाह स्कंद आरुह्य तामिति, स्कंद मतलब कंधा पर, आरुह्य मतलब चढ़ गई, तो श्याम सुंदर ने बोला कि चल नहीं पा रही तो कंधा पे चढ़ जाओ, तो कंधा पे गोपी को चढ़ाया होगा इसीलिए बहुत जोर दे करके उस जगह पर पांव रखा होगा, इसीलिए उस जगह की पृथ्वी इतनी धसी हुई है, ऐसा जो है वहां पर गोपियां चिंतन कर रही हैं। तो अब गोपियां क्या चिंतन कर रही थी, और आगे क्या होता है, जब श्रीमती राधा रानी
वो कृष्ण कंधा पे चढ़ा लेते हैं, कंधा पे चढ़ा लेते हैं और दोनों चलने लगते हैं। तब श्रीमती राधा रानी सोचती है, ओहो देखो मेरे भाग्य की तो कोई तुलना ही नहीं है, उन सबको तो छोड़ दिया केवल के, लेकिन मुझे नहीं छोड़ा है श्याम सुंदर ने, अभी तक मुझे साथ में रखा है अपने, और मुझे देखो कंधा पे चढ़ा के चल रहे हैं। तो जहां श्याम सुंदर ने देखा कि यहां भी अहंकार आ गया, तो अब वहां से भी अंतर्ध्यान होने की सोचने लगे। तो आगे कह रहे ततश्चांतर दधे कृष्ण सावधूरन वतप्यत। अंतर दधे यानी कि वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए कृष्ण, श्रीमती राधा रानी को भी छोड़ के अंतर्ध्यान हो गए। तब रोती हुई श्रीमती राधा रानी गोपियों को मिली है और सबने मिलकर के जो है ये श्लोक उच्चारित किया है। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। इस प्रकार से राधा रानी के साथ मिलकर के सारी गोपियां जो हैं वहां पर कृष्ण का अन्वेषण यानी कि खोज कर रही हैं। तब आखिर में क्या कह रहे हैं श्री सुखदेव जी इस अध्याय के अंत में कि पुनः पुलिनम आगत्य कालिंद्याः कृष्ण भावनाः। पुलिन यानी कि श्रीमती राधा रानी के साथ में सारी गोपियां मिलकर के यमुना के पुलिन पर आ गई हैं। पुनः पुलिनम आगत्य, पुनः यानी कि पहले रास यमुना के तट पर ही चल रहा था लेकिन ढूंढते ढूंढते कहां से कहां पहुंच गई थी। लेकिन श्रीमती राधा रानी ने बोला कि ठीक है, ऐसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएंगी, वो मिलने वाले नहीं है, हम एक जगह पर एकत्रित होती है। तो पुनः पुलिनम आगत्य, यमुना के तट पर सब एकत्रित हुई है। कालिंद्या कृष्ण भावना, ये कालिंदी जो है ना, ये कृष्ण को बहुत प्रिय है, यहाँ पर तो वो आएंगे ही अवश्य, इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हो जाती है। समवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। और सबने एकत्र होकर के क्या शुरू किया है, गोपी गीत का गान शुरू किया है। तो हमने जो पांचवी क्रिया देखी थी वो क्या थी, पहली थी खोजना, दूसरी जड़ चेतन से भी बातें करना, तीसरी ऊंचे स्वर से पुकारना, चौथा लीला का अनुकरण करना, पांचवा गीत गाना। अब जो पांचवी क्रिया है वो रास पंचाध्याय के इस तीसरे अध्याय में होगी, जो कि हम सभी जानते हैं ये पूरा 19 श्लोकों का गोपी गीत है। तो इस पर हम चर्चा न भी करें तो हम सभी जानते हैं गोपी गीत में जो है गोपियों ने भगवान को अलग अलग, कभी उलाहना दे रही है तो कभी उनको धन्यवाद कर रही है कि आपने हमको इतने इतने कष्टों से बचाया, और इस प्रकार से अंततः गोपियां जो है जो छठी क्रिया है प्रेम की वो करना उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या है छठी क्रिया, रुदन करना। अभी तक उन्होंने गीत गा लिया, पहला खोजा, दूसरा जड़ चेतन से बात की, तीसरा ऊंचे स्वर से पुकारा, चौथा लीला का अनुकरण किया, पांचवा गीत गाया। अब जो छठी और आखिरी क्रिया गोपियां कर रही है वो है रुदन करना। 29, 30, 31 अब 32वें अध्याय में गोपियां क्या कर रही हैं, इति गोप्य प्रगायंत्य प्रलपंत्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदु यानी कि गोपियां अब रुदन कर रही है, रो रही है कृष्ण के लिए। इति गोप्य, सुखदेव जी बोल रहे हैं, इति गोप्य प्रगायंत्य प्रलपंत्यश्च चित्रधा, ये है गोपियों के द्वारा गाया हुआ गीत। परीक्षित जी सुन रहे हो राजन, इति गोप्य प्रगायंत्य, ये है गोपियों के द्वारा गाया हुआ प्रलपंत्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन, ऐसे वैसे नहीं रो रही है चिल्ला चिल्ला के, सुस्वरम सुंदर स्वर में गोपियां रो रही है। रुरुदु सुस्वरम राजन, हे राजन बहुत स्वर में गोपियां रो रही हैं। और असल में वो गोपियां अब शरीर से गोपियां नहीं रह गई, वो चलती फिरती कृष्ण दर्शन की लालसा है। गोपियों का शरीर जैसे कि उस विरहाग्नि में जल के भस्म हो गया हो, अब वो गोपियां गोपी नहीं रही, वो बन गई है कृष्ण दर्शन की लालसाएं। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तब क्या हो रहा है उस समय जैसे ही गोपियों ने रोना शुरू किया है तो गोपियों का रोना कृष्ण बर्दाश्त नहीं कर सके और तासाम
आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरस्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ तासाम आविर्भूत छौरी। वहां पर कृष्ण आविर्भूत हुए हैं, कृष्ण वहां से कहीं गए नहीं थे, कृष्ण वहीं थे, उनके बीच में ही थे। तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा उनके बीच में ही थे, जैसे ही प्रकट हुए तो क्या करते हुए आए, स्मयमान मुखाम्बुजा अपने मुख को पोंछते हुए आए। तो गोपियां बोल रही आप कुछ खा कर आए हैं क्या, बोले हाँ आज मैंने बहुत सारा अहंकार खाया है, आप लोगों के अंदर जितना भी अहंकार था उस सब को मैंने खा लिया। तो तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजा अपने मुख को पोंछते हुए श्याम सुंदर वहां प्रकट हुए हैं। पीताम्बर धरस्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ अत्यंत सुंदर तड़द्युति विनंदित पीताम्बर श्याम सुंदर पहने, बिजली किसी कौंधती हुई बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर श्याम सुंदर पहने हुए साक्षान मन्मथ मन्मथ। मन्मथ बोलते हैं मदन को, कामदेव को, मनोज को बोलते हैं। और ऐसे मन्मथ का भी मन मत देने वाले हैं हमारे मदन मोहन श्याम सुंदर श्री राधा रमन लाल जी। तो साक्षात मन्मथ का भी मन मत देने वाले वहां पर राधा रमन लाल जी प्रकट हुए हैं। तो अब श्याम सुंदर प्रकट हो गए हैं तो गोपियों की क्या अवस्था, तम विलोक्यागतम प्रेष्टम प्रत्युत्फुल्ल दृशो बला उत्तस्थुर युगपत सर्वास तन्वह प्राण मिवागतम। क्या स्थिति है गोपियों की, तम विलोक्यागतम प्रेष्ठ, विलोक मतलब जैसे ही देखा है आते हुए कृष्ण को, कृष्ण को आया हुआ जैसे ही देखा है, प्रेष्ठ मतलब प्रिय, अपने प्रिय श्याम सुंदर को जैसे ही आया हुआ गोपियों ने देखा। प्रत्युत्फुल्ल दृशो बला एकदम फूल खिलता है ऐसे खिल गई हो तो एकदम चहक उठी, बहुत बड़ी बड़ी आंखें कर करके कृष्ण को देखने लगे। एक उदाहरण देते जैसे कि कमरे में हम बैठे हैं और लाइट चली जाए तो हम लोग एकदम से आंखें बंद कर लेते हैं और ऐसा हम फील करते हैं अरे अंधेरा हो गया, लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो हम बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं कमरे को, ओ लाइट आ गई। उसी प्रकार से गोपियां जैसे लाइट चली गई थी कृष्ण नहीं थे इतनी देर, अब जैसे ही कृष्ण आ गए हैं तो लाइट आ गई है, अब बड़ी बड़ी आंखें करके प्रत्युत्फुल्ल दृशो बला कृष्ण को बड़ी बड़ी आंखें कर करके कृष्ण को निहार रही है, देख रही है। उत्तस्थुर युगपत सर्वास तन्वह प्राण मिवागत, जैसे गोपियों के शरीर में से चला गया हुआ प्राण वापस निकल के आ गया, मतलब निकल ही गई थी उनके शरीर में से वो जो आत्मा उनका निकल ही गया था, लेकिन जैसे ही कृष्ण को देखा तुरंत वो प्राण वापस आ गया। ये अवस्था गोपियों की वहां पर होगी। तो कृष्ण प्रकट हो गए हैं और गोपियों का गाया हुआ जो गीत था वो सफल हुआ। तो छह क्रियाएं वहां पर गोपियों ने की, हम उस पर चर्चा किए। अब गोपियों के साथ कृष्ण का क्या संवाद होगा उस पर हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।